मथुरा महावन तहसील की ग्राम पंचायत नेरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलदेव द्वारा शुक्रवार को ग्राम प्रधान ने वैक्सीन कैंप लगाने की मांग की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलदेव के प्रभारी सोनू चतुर्वेदी ने 4 लोगों की टीम बनाकर गांव नेरा के लिए रवाना कर दी। शुक्रवार को सुबह प्राथमिक विद्यालय नेरा पर 400 वैक्सीन लेकर पहुँचे CHC प्रभारी सोनू चतुर्वेदी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय नेरा पर टीम ने 400 वैक्सीन से 70 वैक्सीन लगाई थी। गांव के अजारक तत्वों ने आकर हंगामा शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव के लोगों ने बंधक बना लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बलदेव पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर अजारक तत्व भाग निकले। पुलिस ने बंधक स्वास्थ्य कर्मियों को मुक्त कराया। थाना निरीक्षक नरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि अभी कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर आने पर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, 3 दिन पहले जो नेरा के जो ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा पर्सनल रिक्वेस्ट की गई थी कि एक मेगा कैंप हमें दे दिया जाए जिससे कि हमारी जो ग्राम पंचायत है उसको हम कवर कर सकें। तो उसी के क्रम में हमारे द्वारा एक 4 सदस्यीय दल को गठित करके टीम को कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्राइमरी विद्यालय पर लगाया गया था। लेकिन चूंकि वहाँ पर ग्रामीण कुछ ऐसे अभद्र व्यवहार और उपद्रव को उतारू हो गए, उन्होंने हमारी टीम के साथ मारपीट करने की कोशिश की। टीम को प्राइमरी विद्यालय में बंद कर दिया। तो इसके क्रम में फिर मेरी जो है SHO साहब से बात हुई और हमने वहाँ पे एक गाड़ी भेजी, टीम को निकाला। और लेकिन मजबूरी में चूँकि हमारी टीम काफ़ी डर गई थी तो कैंप को हमें कैंसिल करना पड़ गया। अब आगे भविष्य में प्रधान जी के साथ सहयोग करके फिर से कैंप लगवाने की कोशिश करेंगे। ये टीम पर हमला भी हुआ है, गाली गलौज भी दी गई है टीम को। हाँ, टीम पे हमला भी हुआ है लेकिन चोट किसी को नहीं आई है, लेकिन गाली गलौज काफी हद तक बहुत ज्यादा की गई। जान से मारने की भी धमकी दी गई है। हाँ, कुछ लोगों के द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन अभी इस तरह से चूंकि भीड़ थी तो किसी को एक पर्टिकुलर व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, भीड़ के द्वारा ये सब किया गया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।